एक इंची निशान लेने के बाद में आपको एक ऊपर निशान लगाना है, ये ऊपर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से 29 इंची है लंबाई, तो 29.5 है तो 30 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद में उसके बाद में यहाँ से आपको ये आपका चेस्ट का हो गया। ये आपका आर्मोल का हो गया। ये हाफ बैक हो गया, ये लंबाई हो गया। अब जैसे आपको ब्रेस का निशान लगाना है गले का, तो इसका बहुत ही आसानी तरीके से मैं फार्मूला बताया हूँ, तो आप वो फार्मूला को देखिए और आपका 36, 40, 42, 45 जितना इंची का चेस्ट का आपको गला निकालना है आपको बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। आप ब्रेस का निशान लगा सकते हैं, जैसे मैं इसमें 3 इंची निशान लगाया था, तो अब इसमें मैं 3 इंची में 1.5 इंची प्लस करके यहाँ से 4.5 इंची पे निशान लगाऊंगा। ठीक है, 4.5 इंची पे मैं निशान लगाया, तो उसी तरीके से आपको ऐसे कर लेंगे। अब इसका 29 इंची है, तो ये नीचे से 10 में 2 लाइन काम करके 10.5, 4.5, 5। अब यहाँ से आपको ब्रेस का निशान लगाना है, ये 2 बटन सिंगल ब्रेस साइड चेक है। ठीक है, ये 2 बटन हो गया, ये सिंगल ब्रेस हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ से आपको 2 इंची और यहाँ से 3 इंची का एक निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से आप गोलाई कर देंगे और यहाँ से 2.5 इंची पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी। स्केल जो है आपको स्केल जो है इसी तरीके से रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी स्केल नहीं रखना है आपको। ठीक है, स्केल का भी रखने का आप तरीका देखें। उसके बाद में यहाँ से आपको 1.5 इंची का निशान लगा के और फिर यहाँ से 1.5 इंच कर देंगे, ये बटन का हो गया। अब 41 छाती है, तो मैं कुश्ती 9 इंची रख रहा हूँ, तो 9 इंची किस हिसाब से मैं रखा हूँ ये कुश्ती का भी मैं एक फार्मूला बताया हूँ। ठीक है, तो आप कुश्ती का भी मेजरमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके कुश्ती में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ से कुश्ती कितना रखना है। यहाँ से डाउन करके 2 इंची इस तरीके से आपको कटिंग यहाँ पे करना है। अब यहाँ से एक वॉलेट पॉकेट का निशान लगा दीजिए, दोनों को बीच में 1/4 इंची आगे की तरफ जो है वो डाउन होता है,
तो यहाँ से, यहाँ से 1.5 इंची निशान लगा दीजिए, 4.25 इंची पे निशान लगा के सीधा कर दीजिए। पॉकेट का निशान 10.25 पे, यहाँ से 2 इंची का निशान लगा लेंगे। यहाँ से 2 इंची 2 इंची का निशान लगा लेंगे। ये आप 7 इंची का निशान लगा लेंगे, ऐसे गोलाई कर देंगे, ये सीधा रखेंगे। अब यहाँ से आप 2.25 इंची रखेंगे, ये आप साइड पीस का निशान लगा दीजिए। यहाँ से भी 1.25 इंची का निशान लगा के इस तरीके से, अब जैसे इसमें लूजिंग देना है तो आप 5 इंची भी दे सकते हैं, 6 इंची भी दे सकते हैं, 5.5 इंची भी दे सकते हैं, आप अपना लूजिंग देख करके। तो मुझे इसमें 5 इंची देना है, तो पहले यहाँ से मैं 5 इंची कर लिया, उसके बाद मैं इसको नाप लेता हूँ। ये 9 इंची है और ये 8 इंची है, तो यहाँ से मैं 9 इंची रख दूँगा। अब ये 41 इंची हो गया, तो मैं यहाँ पे निशान लगा दिया। ये 35 इंची हो गया, तो यहाँ पे हो गया प्लस, मैं यहाँ पे निशान लगा दिया। अभी मेरा हिप 42 इंची है, तो ये यहाँ पे आ गया। देख लीजिए इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है। अब मुझे कमर यहाँ पे आ रहा है, चेस्ट यहाँ पे आ रहा है, हिप यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसमें आपको घटाने बढ़ाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से यहाँ निकालिए और यहाँ से कम कीजिए, ठीक है। ये हो गया, साढ़े बारह इंची, 12.5 इंची देखे, उसके बाद में इसको राउंड कर दीजिए। यहाँ से ये बाजू का घुमा दीजिए, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो हाथ से ही राउंड कर दीजिए। मेरे पास स्केल है तो मैं इस तरीके से रख के ये गोलाई घुमा देता हूँ, और इधर भी मैं अब आपको नापने नापेंगे तो इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको ये आर्मोल हो गया, ठीक है। ये आपका गोलाई हो गया, ठीक है। अब इसको जो है, ये जो यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से
यहाँ से ठीक है, ये यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे, आप यहाँ से कटिंग करेंगे ठीक है। ठीक है, आप सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे ठीक है। तो अब मैं इसका बाजू कटिंग करके बताऊंगा कि बाजू कितना पे कितना साइज रखना है, जैसे मुंडा कितना रखा हुआ है इसका। मुंडा जो कटिंग होगा आपको, इसका मुंडा कटिंग होगा तो ये 10.25 इंची पे है। तो इसमें मैं एक वीडियो बनाया हुआ फार्मूला के साथ में, बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आप वो भी वीडियो मेरा देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताया हूँ। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बाजू कटिंग करके बता रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देखें। और मेरा जो मकसद है, ये जो साइज है 41 इंची साइज है, 41 चेस्ट है, तो मैं 42 के हिसाब से काटा होता है। आप पूरा ये जो है पूरा वीडियो देखिए, फ्रंट भी, बैक भी, बाजू का भी और इसका पैंट का भी, ताकि आपको पूरा चीज़ नॉलेज पता चल सके। इस साइज़ का आपको अगर कटिंग आ रहा है तो आप सेम देख करके कितना पॉकेट लगाएं, कितना वॉलेट लगाएं, कितना पे कुश्ती लगाएं, ये सब चीज़ आपको अपने मार्क में यूज कर सकते हैं ठीक है। जैसे आप मार्क लगा रहे हैं तो आप मेरा चैनल ये वीडियो देखिए, कुश्ती में कितना रखा हूँ, आप अगर उतना रख रहे हैं तो आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप खुद बता सकते हैं, आप खुद ही बोल सकते हैं कि मेरा कटिंग जो है किस तरह का है ठीक है। तो आप पूरा ये बटन का भी फासला देखे, ब्रेस का भी, गले का भी आप हिसाब लगाए कि आपका उतना है कि नहीं है, कि कम है कि ज़्यादा है, फिर मेरा कटिंग को आपको पता लगेगा ये गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। तो आप इस तरीके से मेरा चैनल को फॉलो करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी, आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय।